सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आ रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन रुझानों में आगे चल रहा है और रुझानों में समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे है, जबकि एनडीए यूपी में 34 सीटों पर आगे चल रही है। सपा की हो सकती है वापसी, बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन रुझानों में आगे चल रहा है और ये एक बड़ी राहत समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए कही जा सकती है और तमाम गठबंधन में शामिल उन पार्टियों के लिए कही जा सकती है जो कि मिलकर और एक उम्मीद के साथ इस गठबंधन को उन्होंने बनाया था, इंडिया गठबंधन को बनाया था। और इससे पहले तमाम बैठकें हुई, बैठकों में रणनीति बनाई गई, रणनीति के जरिए फिर ये चुनाव लड़ा गया और तमाम रैलियां तमाम जनसभाएं की गई, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई, जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश की गई। रैलियां जनसभाएं जो की गई उसमें जनता को ये यकीन दिलाया कि देखिए अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपका भला करेंगे, हम आपके लिए ऐसी नीतियां ऐसी रीतियां बनाएंगे जिससे सीधे तौर पर जनता लाभान्वित होगी। तो एनडीए यूपी में 34 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि जेडीयू 14 सीटों पर आगे है, जबकि रुझानों में बीजेपी 11 सीटों पर महज आगे है। तो यहां पर भी एक बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में रुझानों में आरजेडी 5 सीटों पर आगे, जबकि एलजेपी रुझानों में 5 सीटों पर आगे है, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर रविशंकर प्रसाद आगे है। काराकाट से अभिनेता पवन सिंह पीछे चल रहे हैं, जबकि पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से पीछे चल रहे हैं, पप्पू यादव पूर्णिया सीट से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में रुझानों में जेडीयू 14 सीटों पर आगे है, जबकि रुझानों में बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। बता दें कि बिहार में रुझानों में जो चीजें निकल के सामने आ रही है, आरजेडी 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर ये निराशाजनक खबर है क्योंकि 17 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जबकि 11 सीटों पर महज आगे चल रही है, जबकि जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 14 सीटों पर फिलहाल आगे चलती हुई यहां दिखाई दे रही है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बटर देओल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेएमएम के स्पोक पर्सन हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है बटर देओल जी आपका। और साथ ही साथ विनय राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं पीएन के। विनय जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब सीधे सबसे पहले रुख कर लेते हैं विनय राय जी का। विनय जी किस तरह से इसे देखते हैं, खास तौर पे बिहार के संदर्भ में? पिछली बार 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जो सीटें हैं वो अपने कब्जे में की थी, लेकिन इस बार जेडीयू जो है वो 14 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी महज 11 सीटों पर ही आगे चल रही है। बिहार से भी एक झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है क्या? देखिए नेहा, इसमें आप देख रही, चाहे बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हूँ, चाहे काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हूँ, ये दोनों मंत्री रहे, तो परिस्थितियां सीधे तौर पर कि जिन जनप्रतिनिधियों ने सत्ता के मद में या सत्ता के साथ रह करके अपने मतदाताओं के साथ न्याय नहीं किया है, उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के साथ एक फैक्टर तो बन गया कि नीतीश कुमार के पास जो अपना ओबीसी और खासतौर से जिस समुदाय से आते हैं पूर्वी बाहुलता वाले इलाकों में, उनकी पकड़ अच्छी है और इसीलिए कहते हैं कि भाई सत्ता जिधर रहती है उधर नीतीश कुमार अपने आप को सेट कर लेते हैं। पिछली बार जब बीजेपी के साथ विधानसभा का अंगणित नहीं समझा पाए थे तो देखी थी किस तरह की स्थितियां बनी, इस बार जब लास्ट मोमेंट वो आए तो उसका फायदा उनको भी मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन इसीलिए किया था कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहते तो परिणाम कुछ और होता बिहार का। लेकिन परिस्थितियां सही है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार के साथ एक सुशासन का जो एक हप्पा लगा हुआ है, इतनी बार दल बदलने के बाद
कि जो कहा जाता है कभी भी चर्चा चल रही है किसी सीट आने के बाद नीतीश बाबू अगले दो घंटे में क्या फैसला ले लेंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन उसके बावजूद जनता उनके कामों को लेकर उनके प्रशासन को लेकर के उनके प्रत्याशियों को लेकर के कहीं ना कहीं भरोसे में थी, तभी इस तरह का पड़ामा को बिहार में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो अभी हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं वो जाहिर तौर पर एनडीए के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। हालांकि अभी शाम होते होते चीजें साफ होगी, तस्वीरें साफ होगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। विनय जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऐसे कौन कौन से विषय आपको लग रहे हैं? देखिए अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, ऑफकोर्स यही नतीजों में तब्दील होंगे, लेकिन ये रुझान बता रहे हैं कि एनडीए के लिए राहत की बात नहीं है और खुशखबरी नहीं है, लेकिन एक कमबैक करने की कोशिश यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी समाजवादी पार्टी के लिए, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे फिलहाल आपको लगते हैं जो उनके फेवर में रहे? देखिए यहाँ एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूं कि अब तो परिणामों के रुझान के अब तो परिणाम आने शुरू हो रहे हैं, जगह जगह से बढ़त काफी बन चुकी है, तब कई चैनलों की भाषाएं बदल चुकी हैं। पहले मैं इत्मीनान से बात कह रहा हूँ कि कल तक अगर आप चैनलों की भाषा देखी होंगी तो भाषाएं दूसरी थी, लेकिन हमने कल भी आपके साथ जब मैं जुड़ा था तभी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी सुनने पर रहेगी और सपा बहुत बेहतर करने वाली है, और उसका परिणाम आप देखिए इस समय हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती से आते हैं, वहां पर राजकिशोर सिंह को लास्ट मोमेंट में जोड़ा गया कि हरीश द्विवेदी किसी तरह चुनाव जीत जाए, लेकिन इस समय लगभग 34,000 से पीछे चल रहे हैं। महेंद्र पांडे जो मंत्री हैं चंदौली में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बगल का हिस्सा है, वो पीछे चल रहे हैं। अफजाल अंसारी जिनको हराने के लिए कह सकते हैं पूरी सरकारी मिशनी के साथ साथ जो वहां के कद्दावर नेता रहे मनोज सिन्हा जो कि इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने लगभग 6-7 दिन तक वहां कैंप किया, अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की, वो सीट आप पीछे चल रहे हैं। आजमगढ़ में निरहुआ पीछे चल रहे हैं, घोसी में राजू राष्ट्रीय प्रवक्ता है आपके सपा के, वो आगे हैं, और अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं वो पीछे चल रहे हैं। बलिया में सनातन पांडे आगे चल रहे हैं, नीरज शेखर जो कि राज्यसभा उनकी लगभग 2-2.5 साल बची हुई थी उनको चुनाव लड़ाया गया सीट को बचाने के लिए। तो आप ओवरऑल अगर सीन देख रही है तो स्पष्ट है कि इसमें मुख्य मुद्दे खास तौर पर एक तो दलित वोटों का बिखराव। पहले कहा गया जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तब भी आपने देखा होगा कि जहां पर हाथी का सिंबल नहीं था वहां पर मायावती का जो कार्डर वोट था वो भाजपा में चला गया था, और कई ऐसे लोग थे उन्होंने कहा आपने किसको वोट दिया, बोले भाजपा को, बोले क्यों, तो बोले वोटिंग मशीन में उनको अपना हाथी का सिंबल नहीं दिखा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, इस बार मैक्सिमम जगहों पर अगर आप बूथ वाइज तो समीक्षा हो जाएगी, जहां तक दलित मतदाताओं का सवाल रहा है विपक्ष इस बात को समझाने में कामयाब रहा कि अगर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आती है तो संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, एक तरह से पूंजीपतियों का शासन हो जाएगा, उसके चलते बड़ा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को दलित वोटों में। वही हम बार बार कह रहे हैं अग्निवीर योजना सरकार ने बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आई, लेकिन 10,000 जैसे भर्तियां होनी थी उसमें सेना की तरफ से भी कहा गया कि इसमें 40% लोगों को हम कंफर्म करेंगे, बाकी 60% लोगों को हम अलग अलग जगहों पर आरक्षण देकर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे बाकी जगहों पर। लेकिन सरकार अगर इसके बदले में यह कहती कि मेरिट के अनुसार 1 से लेकर 4,000 तक कंफर्म है, 6,000 को हम रिजर्व फोर्स में रख रहे हैं, जिसको ज्वाइन करना करे जिसको नहीं करना ना करे, तो शायद संदेश अलग जाता। लेकिन इस तरीके से 10,000 के ऊपर तलवार लटकती थी कि कौन 4,000 कंफर्म होगा और कौन 6,000 छंट जाएगा पता नहीं, एक नुकसान उसका भी हुआ है। महंगाई एक मुद्दा था किरण, लेकिन महंगाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। इसमें लखपति दीदियों का जो बीजेपी ने एक वादा दिया वो असरदार साबित हुआ, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर महंगाई से दुखी होती हैं, और महिलाओं का 18% अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरे देश में उत्तर प्रदेश में खास तौर से उनका ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। 6% महिलाओं ने इस बार ज्यादा मतदान भी किया है, और उसमें 6% में आपने मान के चलिए कि मेजोरिटी वोट भारतीय जनता पार्टी के पास गया है, वरना उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो लोकसभा के अंक गणित है इसमें सीन और बदलता। और आप देखिए अब तो कल भी बता रहे थे लगभग 40 से 45 सीटों पे क्लोज फाइट थी। इलाहाबाद अब देखिए कांग्रेस को हम एक सीट पिछली बार रायबरेली बचा पाई थी, इस बार आप पीएल पुनिया के बेटे बाराबंकी से चुनाव जीत रहे हैं, उज्ज्वल रमन सिंह इस समय प्रयागराज से आगे हो चुके हैं, अमेठी में खुद किशोरी लाल शर्मा जो कि राहुल गांधी उस सीट को हार गए थे, किशोरी लाल शर्मा लगभग 35,000 वोट आगे चल रहे हैं, राहुल गांधी आ गए हैं, इमरान मसूद आ गए हैं, तो 5 सीटों पर कभी सीधी सीधी बढ़त दिख रही है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर, कहां एक सीट। उसी तरीके से सिर्फ 5 सीट पर समाजवादी पार्टी थी, और आज की तारीख में उसको 25 सीटें लगभग मेरे अनुमान से 20 से 25 सीट
किसी भी तरह से अंतिम जब आंकड़े आएंगे तो वो सीट जीतने में कामयाब होगी। एक तरीके से अपना आधिपत्य कहें या अपना वोट बैंक सहेजने की बात कहें या भविष्य संवारने की दिशा में समाजवादी पार्टी ने अपना कदम रखा है। भारतीय जनता पार्टी का जरूर ये चिंतन का विषय है, इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ। कमलेश पासवान जो कि बांसगांव रिजर्व सीट से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर से लगा हुआ इलाका है, अभी जो अभी ताजे आंकड़े हैं उसमें मात्र 1000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। जो व्यक्ति पिछले चुनाव में 3 लाख 4 लाख वोट से चुनाव जीता हो, अब अगर वो 5000 10000 12000 13000 के अंतरों में फंसा हुआ है तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस परिणाम के आने के बाद। लेकिन सर इसी का जिक्र अगर मैं करूं पूर्वांचल की, आप जिक्र करते हैं, देखिए पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वांचल गृह क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर, और ऐसे में अगर वहां पर 13 सीटों में से 9 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल की थी, इस बार का क्या समीकरण आप बनते हुए देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि पिछला चुनाव का जो नतीजा था वो बरकरार रहेगा या फिर वहां पर भी आंकड़े में कुछ कमी नजर आ रही है? आप देखिए पहले आंकड़ों की बात करें तो पहले मंत्रियों की बात कर लीजिए। लखीमपुर खीरी में अजय टेनी है, हाँ। चुनाव इस समय हार रहे हैं। कौशल किशोर मोहनलालगंज जो लखनऊ से लगी हुई सीट है, जहाँ पे लखनऊ से राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बगल की सीट पर मोहनलालगंज में पीछे चल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर पीछे चल रही है, महेंद्र पांडे चंदौली पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि आखिरकार जो राजनीतिक तौर पर मंत्री था, आदमी क्षेत्र की जनता चाहती है उसका सांसद मंत्री बन जाएगा, क्षेत्र में ज्यादा सेवा करेगा। लेकिन पूर्वांचल में कम से कम अभी की जो स्थिति है, महाराजगंज बढ़त पर है, कुशीनगर में लगभग 13 से 14 हजार की बढ़त है, लगभग 12 हजार के आसपास की देवरिया की बढ़त है, सलेमपुर की स्थिति अभी टफ बनी हुई है, बलिया हार रहे हैं, बलिया में पिछली बार भाजपा जीती थी, वही आप आजमगढ़ उपचुनाव में निरहुआ जीता था वो सीट आप हार रहे हैं, घोसी बसपा की सीट थी लेकिन वो बसपा छोड़ करके भाजपा में आए थे तो एक तरीके से बसपा की सीट न होकर इस समय वो सपा की सीट होने जा रही है, चंदौली भाजपा जीती थी लेकिन इस समय सपा आगे चल रही है। तो पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश का इस समय राजनीतिक समीकरण भाजपा के हिसाब से कह सकते हैं बेहतर नहीं है, और जब परिणाम आएंगे तब आपको बेहतर इसमें समीक्षा करने को और बेहतर मिलेगा, और हम लोग से ज्यादा जो प्रधानमंत्री जी और उनके टीम के कोर कमेटी के लोग हैं जो रणनीतिकार वो चिंतन करेंगे कि परिणाम क्यों आया। और इसके पीछे एक तर्क मैं और दूंगा जो मुद्दे की बात आ रही है, जो चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक मुद्दा उठाया कि चुनाव परिणाम आते ही यहाँ से मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, हाँ। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, हाँ। इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा कि मेजोरिटी ठाकुर रोड जो है, आप अगर देखेंगे तो ठाकुर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, हाँ। और कोई और कास्ट का प्रत्याशी है वहाँ ठाकुर ने अपने वोट का डिविजन किया है, और इसका असर आपको देवरिया में भी देखने को मिल रहा है। भले भारतीय जनता पार्टी वाला वो 12 से 13 हजार वोट आगे चल रही है, लेकिन पिछली बार जो चुनाव 3 लाख से जीते हैं वहां से ठाकुर मतदाता कहां गया। उसी तरह से कुशीनगर की मैं बात करूंगा, लगभग 4.5 लाख वोट से अगर विजय दुबे पिछली बार चुनाव जीते थे और कुर्मी बाहुलता वाले कुछ इलाकों को मिला करके आरपीएमसी जो उसमें कांग्रेस में थे 1,46,000 वोट पाए थे, आज की तारीख में वोट कहां गया। इस समय तो विजय दुबे को कम से कम 5 लाख वोट से चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन कुर्मी बाहुलता वाले इलाके का सारा वोट सपा लेने में कामयाब हुई है। तो पार्टी को आपको चिंतन करना पड़ेगा कि जिन लोगों को उनसे बुलाया, चाहे वो बस्ती में राजकिशोर रहे हों चाहे कुशीनगर में आरपीएन सिंह रहे हों, इनके वोट कहाँ गए। आखिरकार ये पार्टी में आकर पार्टी को फायदा क्यों नहीं दिला पाए, हाँ। ये समीक्षा करनी पड़ेगी पार्टी को, बिल्कुल ये समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन हम सीधे रुक कर लेते हैं कैप्टन आई सिंह जी का। कैप्टन आई सिंह जी आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह जी, 400 पार का जिक्र आप लोग कर रहे थे, यहाँ तो आंकड़ा 300 पार नहीं हो पा रहा। लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल मोहम्मद अमीन जी, किस तरह से देखते हैं आपको, कहां लगी कि कहां कहां पर दिक्कतें हुई जिस वजह से ये जो आंकड़ा जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि इस बार तो हम 400 पार हो जाएंगे, और बड़े आत्मविश्वास से लबरेज थे भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम एनडीए के नेता, ऐसे में क्या लगा, कहां कहां पर आपको लगा कि दिक्कतें थी कि वो मैसेज जो जनता तक पहुंचाना चाहते थे नहीं पहुंच पाया? देखिए बीजेपी से जो है सबसे बड़ी भूल ये हुई कि जो लोग फूके हुए कारतूस थे जिनके अंदर कोई दम नहीं था, हाँ। अभी मैं सुन रहा था तो उसमें देखिए आप कि निरहुआ को बंबई से लाके लड़ाया गया, हाँ। वो वहां पर वो तो सिटिंग एमपी है ना? नहीं सिटिंग एमपी नहीं, कम समय मिला है उसको, हाँ। अभी 2-2.5 साल के लिए हुआ है वो, और वहां पे जो पिछली बार था तो वहां पे आप देखिए क्या पोजीशन है कि मुसलमान जो है वो एक जगह हो गया,
और बैकवर्ड एक जगह हो गया और यादव भी उसी के साथ हो गया है, इसलिए उनको हार का सामना देखना पड़ रहा है। अब इसी तरीके से आप देखिए जो सीटें, अब इसी तरह यूपी में क्या एक हवा फैलाई गई कि इसको योगी जी को जो है हटा दिया जाएगा इलेक्शन के बाद, उस वो भी कुछ एक फैक्टर है। और आप देखेंगे कि जहाँ पर धरती पे काम होना चाहिए बेसिक, वो काम उन तक पहुँचा नहीं है और वर्कर्स उनके खुश नहीं है। और जहाँ तक सवाल है संघ का भी, संघ के बारे में भी जो सूचना थी कि उन लोगों ने भी काम नहीं किया, तो उसका भी असर हो सकता है पड़े। अब आप देख लीजिए इस महाराष्ट्र से, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्या क्वेश्चन चल रही है। महाराष्ट्र में भी स्थिति डिवाइड हुआ, चाहे वो शरद पवार गुट रहा हो और चाहे इधर आपके उद्धव उद्धव ठाकरे का गुट हो, तो दो जगह देखा फाड़ होने के बाद। हाँ, तो अब वो देखिए उस बात की भी वहाँ पे प्रतिष्ठा रही कि वो हिंदू ग्रुप को मानने वाले थे हमेशा, उन्होंने मोदी को सपोर्ट किया मिस्टर उद्धव ठाकरे ने, लेकिन क्या हुआ कि उनको एक तो मंदिर के उसमें उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, जबकि सबसे बड़ा चंदा उन्होंने 1 करोड़ का उस पार्टी ने दिया है, लोगों ने दिया होगा लेकिन उस शिवसेना पार्टी ने दिया, और उसके बाद भी वहाँ पे झगड़े हुए, पार्टी को अलग अलग कर दिया गया। इसके पीछे भी यहाँ समझते हैं कि ये जो लोग हैं यानी बीजेपी के ही लोग थे, वहां से उन्होंने कांग्रेस के लोग निकाले और निकाल के उनको राज्यसभा में ले आए। आप देखिए चौहान को लेके आ गए, उसके बाद दूसरा उनको लेके आ गए, तो मुरली देवरा के लड़के को, तो अब मिलिंद देवरा को, तो उनको राज्यसभा दे दी, तो उस वहां भी लोग जो हैं कांग्रेस के वो नाराज दिखे। कमलनाथ क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। जी भैया, जो ट्रेंड दिख रहा है इंडिया गठबंधन दिख रहा है कि लीड ले रहा है, जो 400 पार का एग्जेक्ट पोल की पोल सबसे पहले खुली, दूसरी जो देश में अहंकार था अद्भुत अकल्पनीय अहंकार वो चकनाचूर हुआ, और थर्ड देश में लोकतंत्र की रक्षा संविधान की रक्षा के लिए लोग आज भी समर्पित है, ये देश संविधान से चलेगा, ये मैसेज है। जो तानाशाही की ओर लोग देश को ले जाना चाहते थे उनको करारा तमाचा है ये अभी तक के रुझान, मैं मानता हूँ। रिजल्ट धीरे धीरे आगे आने दो, परिवर्तन और होगा। मध्य प्रदेश में तो पीछे चल रहे थे। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में 5-6 सीटें ऐसी है जो 5,000 के 7,000 की हार जीत पे चल रही है। हमारा पहले से भी अनुमान था इसी तरह का, मध्य प्रदेश में जिस तरीके का अनुमान था वो सीटें लगभग 10 सीटें 10,000 15,000 8,000 के आसपास आगे पीछे चल रही है। अंत आने दो, परिणाम अच्छा है। जी हाँ, तो परिणाम अच्छा आने की उम्मीद है और उम्मीद होनी भी चाहिए जाहिर तौर पर। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था कि देखिए जो एक मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज क्या जनता तक पहुंचा, मैं सीधा रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं झारखंड से, बटा देओल जी। बटा जी आपका रुक कर लेती हूँ, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या लगता है कि जिसकी उम्मीद आप लोग कर रहे थे क्या रुझान उसी तरह से आते हुए झारखंड में दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। देखिए अहंकार का अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मैं नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा 5 बजे तक, बट अहंकार का जरूर पतन हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश भोले भाले लोगों को, आप देखिए कैसे इस देश के लोगों के द्वारा अंदेशा लगाया जा रहा था। आप शेयर बाजार का हाल देखिए, कितने लाखों करोड़ रुपए गरीब भोले भाले लोगों के, जिन्होंने कल उम्मीद से लगाए होंगे कि नहीं शेयर बाजार ऊपर जाएगा, उनके आज पैसे डूबे होंगे, और जो पैसे निकाल के कौन अमीर हुए हैं आज, इसकी जांच होनी चाहिए। भोले भाले लोगों के साथ जो ठगी की गई है वो बहुत, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस मेरे हिसाब से। और उम्मीद आप मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी साइड में चल रहा है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स की चल रही है, पर गोदी मीडिया अभी भी बेचारे जिस तरह से उन्होंने 400 पार्ट का नारा दिया था, तो मुझे लगता है कि उनकी उंगलियां कांप रही होंगी अपडेट करने के लिए डेटा को। बट एक 4 PM है, चैनल देख रहा हूँ और दो चैनल। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और झारखंड से अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। दरअसल रुझानों में बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जेएमएम 2 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस भी 2 सीटों पर आगे चल रही है, इंडिया अलायंस 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बता दें आपको कि 2 सीटों पर जेएमएम और 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है।
तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बटर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बटर जी देखिए, वही एक सवाल बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि इंडिया अलायंस हमने कहा था कि रिजल्ट चौंकाने, बीजेपी तो 14-0 से कर रही थी, हमने कहा था कि 50% मेरा जो लास्ट में आकलन था कि हम 50% के आसपास, मतलब 6-8, 8-6 और 7-7 की बातें कर रहे थे, और आप देखिएगा 5 बजते यही रिजल्ट आएगा। और 14-0 की जो बात कर रहे थे, 412 और क्लीन स्वीप, मैंने बहुत सारे ट्वीट बीजेपी के मेरे मित्रों के सेव करके रखे हुए, उन्होंने कहा भी था कि सेव करके रखो, 14 तारीख मतलब 4 तारीख को शाम को बात करेंगे। तो आप जरूर उनसे पूछिएगा कि आप जो 14-0 बोल रहे थे, और हमने कभी देखे, हमने कहा था कि रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, हम आएंगे। जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो रुझान अभी तक देखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है, और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आप कि एक बार फिर से मोदी सरकार होने वाली? निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए, और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है, और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्य को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था, और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करवा करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही, अपने आप में काफी गैप है, और कुल मिलाके जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। तो देखिए, आगे भी बढ़त बनी रहेगी, हालांकि वो खुशी अनुराग ठाकुर के चेहरे पर दिखाई नहीं दी, उतना विश्वास जो एग्जिट पोल में देखने के लिए मिल रहा था, उसके बाद सुनने के लिए मिल रहा था, वो हालांकि कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ विनय जी का। विनय जी, देखिए खास तौर पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य, कहते हैं कि जिसने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली वही केंद्र में सरकार बनाता है, लेकिन यहाँ पर तो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लग रहा है केंद्र में भी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल इस बात को लेकर भी दीजिएगा, क्योंकि हम पश्चिम यूपी की बात करें तो वहां पर चुनाव से एंड पहले जिस तरह के फेरबदल हुए गठबंधन को लेकर, आरएलडी जो है वो एनडीए में आ गई, महज 2 सीटों पर उन्होंने संतोष किया, तो वहां पर उस संदर्भ में किस तरह की स्थिति देखने के लिए मिलती है, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में इंडिया गठबंधन रुझानों में आगे चल रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर, स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही है, और ये आपको बता दें कि शुरुआत रुझान जो आ रहे थे तभी से पीछे चल रही थी, और अब तो ये अंतर बढ़ता जा रहा है, किशोरी लाल 49,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रही हैं, जबकि रायबरेली सीट से राहुल गांधी आगे चल रही है, हालांकि कांग्रेस की सेफ सीट कही जाती है रायबरेली, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त 1,45,000 वोटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वो बताया भी जा रहा है कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं,
आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पीछे चल रहे हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव 57,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बड़ी राहत यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए कही जा सकती है। रायबरेली और अमेठी ये बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं विनय जी का। विनय जी, जिस तरह से अमेठी की हम बात करें, अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पिछली बार हराया था, हालांकि 2014 में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में हराया भी था, लेकिन इस बार जो 49,000 वोटों से पीछे चल रही है, लगता है ये जो अंतर है ये पाट पाएंगी अभी वक्त के साथ साथ? सवाल ही नहीं उठता है कि अंतर फाट पाएंगी, और इसका अनुमान मैं इस समय नहीं कह रहा हूँ। कल इसी मैंने कहा था कि आपको अमेठी का चुनाव चौंकाने वाला होने वाला है, और परिणाम जिस तरह से आएगा उसकी चर्चा अलग से करनी पड़ेगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। हाँ हाँ। आप अगर कोई कद्दावर नेता अगर एक बार चुनाव हार जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके क्षेत्र की जनता ने उसको नकार दिया है। कई बार प्रतिक्रियाएं हो जाती है, कई बार निराशा का भाव आता है। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया, ज्योतिराव माधवराव सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हराया, खुद कल्याण सिंह मुलायम सिंह तरीके नेता भी चुनाव हारे हैं। राहुल गांधी चुनाव हार कर गए, उन्होंने उस सीट को छोड़ दिया जिसका प्रचार किया गया, को अमेठी छोड़ के भाग गए, लेकिन जिस कैंडिडेट को उतारा गया वो 1982 से लगातार अमेठी में बना हुआ है। किशोरीलाल शर्मा को 1982 में राजीव गांधी लेकर हरियाणा से आए, और तब से वो उनके जो भी वहां सांसद रहा, चाहे वो राजीव गांधी रहे हो, चाहे वो सोनिया गांधी रही हो, चाहे वो राहुल गांधी रहे हो, सबके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे। एक एक गांव के प्रधान, डीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, कोई बीमार हुआ, क्योंकि हम लोग खुद 2000 से लेकर के 2011 तक अमेठी को लगातार एज ए जर्नलिस्ट कवर करते रहे, किसी को कोई भी समस्या आती थी, चाहे वो हॉस्पिटल में दिखाना हो, एम्स में एडमिट होना हो, वो सीधे किशोरीलाल शर्मा को अप्रोच करता था, किशोरीलाल शर्मा उसका इलाज कराते थे। तो एक एक व्यक्ति से सीधे सीधे उनका रूबरू होना था, पहचान थी, और जिसका फायदा मिला। एक ग्राउंड लेवल पर मीडिया इस बार अमेठी को हाइट नहीं दे पाई। अगर यही चुनाव राहुल गांधी लड़ रहे होते तो मीडिया का पूरा फोकस अमेठी पर होता, लेकिन उनको लग रहा था किशोरीलाल शर्मा उनके तो प्रतिनिधि थे, बड़े कद्दावर नेता के तौर पर स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में है, तो वो शायद फायदा कांग्रेस को न मिले। लेकिन कांग्रेस ने लो प्रोफाइल रहते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकी, और मैं कह सकता हूँ लगभग एक महीने पहले प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी बेटी हैं आराधना मिश्रा जी जो कि प्रतापगढ़ से विधायक इस समय हैं, कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग किशोरीलाल शर्मा के माध्यम से अगर स्मृति को हार देंगे तो एक बड़ा संदेश दे देंगे। तो कांग्रेस अंदर से पूरे मौके पर लगी हुई थी कि किसी तरह से हम अमेठी की सीट को जीत लें। राहुल गांधी तो जिस दिन रायबरेली आए उसी दिन तय हो गया था कि राहुल गांधी को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मैं जिक्र किया था कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिन जिन सीटों के आप इस समय आंकड़े देख रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है, हैरानी उनको हो रही है जो 400 पार कर रहे थे, चाहे वो सर्वे करने वाले जितनी एजेंसियां, मैं एक की बात नहीं करूंगा, सारी एजेंसियां 350 के ऊपर ले जा रही थी, और आज अनुराग ठाकुर ये कहने पे मजबूर हुए कि हम 250 है, कांग्रेस 100 पर है। कहां आप कहते थे कि लीडर अपोजिशन की कुर्सी तक कांग्रेस को नसीब नहीं होती थी, वो 58 सीट के नीचे आ जाती थी। तो आज की तारीख में समीक्षा सबको करनी है, ठीक है, वो शेयर मार्केट के लिए आंकड़े पेश किए गए कि अपने भावाई में किए गए, या आंकड़ा जो बनाने वाले ग्राउंड पर लोग गए उनकी समझ इतनी खराब थी तो ग्राउंड पर ठीक तरीके से लोगों से बात नहीं कर पाए। जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि लाखों वोटों से जो है एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं और बड़ा वो है, बड़ा माहौल है, 400 के पार का माहौल है, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ हैं भी बड़े क्लोज कंटेस्ट में हैं। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज काफी पीछे चल रहे हैं, उसे किस तरह देख रहे हैं आप? जो बीजेपी में लगातार दावा कर रहे थे जीत का, तो वो काफी पीछे चल रहे हैं, उन्हें किस तरह से, उनके लिए क्या कहेंगे? वहां तो केवल दो ही दिग्गज हैं, बाकी तो सब गज हैं, दिग्गज तो दो ही हैं, और दोनों में से भी एक दिग्गज पहले पीछे भी गए, ऐसा कभी हुआ नहीं। सर, जो नतीजे ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री जी किसी राउंड में कभी पीछे हुए, ये पहली बार है। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, जो कि जाहिर तौर पर अभी जो रुझान आ रहे हैं उससे गदगद है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है।
जाहिर तौर पे उन तमाम चीजों को समझना होगा जो कि फिलहाल मुद्दे रहे, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे आपका रुख कर लेती हूँ मोहम्मद अमीन जी। देखिए, इसको भी ध्यान में रखना होगा कि जो राम मंदिर का इफेक्ट था 2014 में, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। 2019 से पहले जो कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद 2024 को भी उससे साधने की कोशिश की गई थी, क्या लगा कि रामलला तो आए लेकिन थोड़ी जल्दी आ गए तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ा? नहीं, बात देखिए, आप पुराने इतिहास में जाइए, जब कल्याण सिंह वहां पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये बात कर रहा हूं मैं 91 की, तो उस वक्त जब बाबरी मस्जिद गिरी और ये क्रेडिट बीजेपी को मिला, उस वक्त आप देखिए कि उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश एक ही जगह होता था, टोटल 85 सीट थी जिसमें इनको 83 सीटें मिली और इनको पूरा उसका फायदा मिला। दो एक जो ट्रेडिशनल सीटें थी कांग्रेस की, रायबरेली और अमेठी, वही दो कांग्रेस जीत पाई, बाकी इनका सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का। लेकिन उसके बाद देखिए, जब 92 में इलेक्शन होते हैं तो अटल जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन पाए? रीज़न कि वहाँ पर सिर्फ 11 सीटें मिली थी बीजेपी को, वही स्टेट था, सब बातें थी। मुझे लगता है कि कुछ जल्दी, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही बात है कि जल्दी मुद्दा हो गया, और इसमें सुनने में आया ये भी था कि जो इसके पुजारी थे, महंत थे, जो लोग उन्होंने इसमें साथ दिया बाबरी मस्जिद के और राम जन्मभूमि के केस में, उसमें भी ये लोग नहीं बुलाए गए पूजा के टाइम में, अर्चना के टाइम में, जब रामलला को लाया गया। और एक चीज़ और कही गई पार्टी की तरफ से कि साहब ये जब आ जाएगी, अगर अपोजिशन आ जाती है तो रामलला जी को टेंट में डाल दिया जाएगा, जो कि संभव नहीं है इस इतिहास में, इस देश की जो सब भावनाएं हैं और ये हिंदू राष्ट्र है हमारा, जो मेजॉरिटी भी है उसमें क्या संभव हो सकता है कि रामलला को वापस टेंट में डाला जाए, चाहे कोई पार्टी आ जाए? ये तो कहने की बात है। और उससे भी लोगों को लगा कि रामलला को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने उसको स्थापित किया, लेकिन साथ में वो भी हिंदू वोट भी नाराज हुआ होगा कि ये देखिए मुसलमानों के लिए भी उन्होंने रामलला की जो जमीन दी गई उससे ज्यादा जमीन उनको लाट की गई, उसका भी असर पड़ा है अंदर अंदर। और जहाँ तक संघ का सवाल है, संघ के बारे में जो चर्चा हो रही थी तो संघ के लोगों ने भी काम नहीं किया ऐसा मानना है, अब वो दिख भी रहा है, अब आप देखिएगा आज कि क्या स्थिति होती है। विनय जी, इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि हम जब रामलला की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो अयोध्या में क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है वोटों की, और साथ ही साथ अयोध्या सीट, क्योंकि हम कल भी बात कर रहे थे कि जातिगत समीकरण के हिसाब से चीजें अलग होती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। रामलला का मंदिर बनना एक अलग विषय है, लेकिन जातिगत समीकरणों को हम यूपी और बिहार के साथ ही हिंदी बेल्ट में नकार नहीं सकते हैं। ऐसे में क्या स्थिति फिलहाल अयोध्या में बनती हुई, अयोध्या की सीट की बनती हुई दिखाई दे रही है? सर, अयोध्या सीट पर अजय जो लल्लू सिंह है वो पीछे चल रहे हैं और देश प्रसाद वहां पर आगे चल रहे हैं। और ये मसला बार बार मैं कहूंगा, जीत हाथ में क्यों नहीं है? अगर राम मंदिर अयोध्या में है और वहां से भाजपा का प्रत्याशी हार जा रहा है तो सनातन की हार हो गई, मंदिर की हार हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इसके पहले भी आप विधानसभा के चुनाव इसके पहले देखे होंगे 2012 के, तो पवन पांडे सपा के जो प्रत्याशी थे विधानसभा में, वो वहां से अयोध्या से चुनाव जीत चुके। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कास्ट इक्वेशन क्या है, जातिगत आधार पर जब चुनाव होता है तो सबसे बड़ी चीज है जाति फैक्टर करता है। कांग्रेस के निर्मल खत्री भी अयोध्या से सांसद रह चुके हैं, तो मसला सिंपल सा इतना है कि पहले राम आए या कि बाद में आए, मसला ही नहीं है। राम सबके आराध्य हैं, जो भी सनातन को मानने वाले हैं, वो चाहे जिस दल को भी तू वोट दे रहे हो, उनकी राम के प्रति आस्था है। राम के प्रति आस्था होना अलग विषय है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था होना अलग विषय है। तो चुनाव में जो मतदान हुआ है वो पार्टी लड़ी है, भगवान राम चुनाव लड़ने नहीं आए। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ठीक है, आपने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था, राम मंदिर बनके तैयार होगा, लोग दर्शन कर रहे हैं, अब कोई सरकार आएगी तो मंदिर थोड़ी तोड़ने जा रही है। उन्होंने अपना हित देखा है कि हमारे कास्ट को क्या मिलेगा, हमारे कास्ट का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसका किस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं। खासतौर से मैं कह रहा हूँ जो संघ को लेकर के भी एक संदेह की स्थिति पैदा करे, या बाजार में जो चीजें आई कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके एक इंटरव्यू में इस तरह की बातें निकल गई कि पहले हमको संघ की जरूरत थी, अब तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि संघ की जरूरत हमें नहीं है। और इसका असर कई जगह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो कार्यकर्ता पहले पार्कों में चौराहे पर एक टोली बना के प्रचार किया करते थे, वो निष्क्रियता थी इस बार। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता सिर्फ अगर कहीं निकले भी हैं तो सिर्फ फेसबुक पर फोटो डालने के लिए कि हमने वोट मांगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है,
जो जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है उनके बूथों का सिर्फ आंकड़ा आप निकाल लीजिएगा, परिणाम स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने कितने अपने गांव में मेहनत की। आप कोई फिल्म स्टार नहीं हो कि आप रहते हो कुशीनगर में और जाके गाजियाबाद जिता रहे हो, वहां जाकर के आप फोटो खिंचा रहे हो, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हो, आप उड़ीसा में जाकर के रोड शो कर रहे हो, आपको कौन जानता उड़ीसा में, आप जिस जिले के रहने वाले हो, जिस गांव के रहने वाले हो, अगर वहां पे तुम वोट नहीं दिलवा पा रहे हो तो आप जाकर दिल्ली में और दौलताबाद और पंजाब घूमते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर भी अभी मूल्यांकन करेगी और मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश से कई मंत्रियों का भी सफाया होने वाला है, क्योंकि अगर मंत्रियों के होते हुए अपने गढ़ में चुनाव हारे हैं और टिकट भी मनमाफिक लेके गए हैं तो परिस्थितियां साफ है कि एकदम फेरबदल होने वाला है, एक अच्छे तरीके से ओवरऑलिंग होगी। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी पहले किसी तरह से अपनी स्थिति को ठीक करे। एनडीए कोई संदेह नहीं, मैं कल भी कहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी, सीटों का आंकड़ा ये नहीं रहा, एनडीए तो सरकार बना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत में होना और बहुमत में न होकर एनडीए का बहुमत में होने का अंतर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल से चलाने की आदी है उस तरीके से फिर सरकार नहीं चलेगी अगर बहुमत नहीं होगा तो, भले ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों ना हो। कई लोग तो लगेंगे अभी उड़ाने की, अब एनडीए मोदी के नाम पे तैयार नहीं है, अब नितिन गडकरी बनेंगे कि राजनाथ सिंह बनेंगे, लेकिन मेरा मत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी शाम के 4-5 बजे तक जो कम सीटों से हार जीत का भी अंतर बना हुआ है वो भी स्पष्ट हो जाने दीजिए। मुझे लगता है कि बहुमत के आंकड़े के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी को रहना चाहिए, वो चाहे 260 हो, 265 हो, 255 हो, लेकिन वो आ जाए। और एनडीए तो बहुमत में आ ही चुकी है, इसलिए अब समीक्षा कई तरह की होगी, कामों का परफॉर्मेंस रेटिंग भी अलग से होगा, एनडीए भी अब नाराज होगा। हाँ। जिस पहले नाराजगी का असर नहीं होता था एनडीए का, अब एनडीए भी नाराज होगा, वो भी नजर दिखाएगा। अब जेडीयू से एक सांसद मंत्री नहीं बनेगा, अब आपको जेडीयू से पूछ के मंत्री बनाना पड़ेगा, अब आपको हर चीजें आपको तय अपने मन से नहीं करनी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम अलायंस पार्टनर में एक एक मंत्री सबको बनाएंगे, अब उनको विभाग कौन सा मिलेगा ये भी तय करेंगे। तो सब चीजें अब ट्रांसपेरेंट अभी दिखने वाला, बस 4 घंटे और इंतजार करिए, सारे परिणाम आने दीजिए, अपने आप तस्वीर साफ हो जाएगी। सर 2014-2019 क्या सांसदों को ये लगने लग गया था कि मोदी के नाम पर ही हम जीत जाएंगे, या मोदी लहर, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जी मोदी लहर है, मोदी लहर में जिसको भी खड़ा किया वो जीत गया, अब वो कम से कम जो मोदी लहर का जिक्र किया जा रहा था वो मोदी लहर की क्या हवा बदल गई है, उसका रुख बदल गया है, पहली बात। और दूसरी बात सर, मोदी की गारंटीज की बात करिए, क्योंकि इससे पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था देखिए मोदी की गारंटी पे मोहर लगी है, लेकिन जब अब जो रुझान आ रहे हैं ये क्या मोदी की गारंटी फेल होने के संकेत नहीं देते? देखिए मैं यहाँ एकदम स्पष्ट कर दूं कि मोदी के नाम जो बची है सीट वो भी मोदी के नाम पर ही बची है। हाँ। आप ऐसा मत समझिए कि कैंडिडेट बड़े क्रिसमी थे इसके चुनाव जीत रहे हैं, जहाँ जीत रहे हैं वो भी मोदी की कृपा है। हाँ। चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो आपके कुशीनगर हो, चाहे वो महाराजगंज हो, चाहे वो डुमरियागंज, सबकी स्थिति जो अभी भी जो जीत रहे हैं वो मोदी ही है। हाँ ये चीज मैं जरूर कहूंगा, पहले बात आती थी एनडीए की गारंटी या बीजेपी की गारंटी, जब भारतीय जनता पार्टी को एक इंटरनल फीडबैक मिला कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है सीटों पर, तब उसने कहा कि मोदी की गारंटी, कि लोग ये जाने कि मोदी ही फ्रंट पर है, हारेंगे तो मोदी, जीतेंगे तो मोदी। कई लोगों ने बल्कि इसको निगेटिव मुद्दा बनाया कि अहंकार बोल रहा है मोदी का, लेकिन अगर मोदी ने ये नारा बुलंद किया तो उसके पीछे का सीधा सोच था कि कम से कम हम इस बात को बताएं कि मोदी अगर है तभी ये हो पाएगा, वरना तो स्थिति और कुछ बेहतर न हो पाती भारतीय जनता पार्टी। और एक चीज मैं और कहूंगा कि जो एग्जिट पोल ने 2 दिन पहले 350 और 400 पार का आंकड़ा पहुंचा दिया अपने सर्वे में, उससे एक चीज और साफ हो गई कि आज की तारीख में हम सिर्फ इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि जो आंकड़े दिए गए उसको पार नहीं कर पाए, 272 तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या एनडीए केवल सरकार बना रही है। अगर यही एग्जिट पोल कल की तारीख में इसी आंकड़े को पेश किए होते तो आज इस पर चर्चा होती कि सरकारी मशीनरी का कुछ दुरुपयोग हुआ है, कहीं ईवीएम कुछ खराब कर दिया गया है, कहीं वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, तो ये बेहतर है कम से कम आज ईवीएम को कुछ भला बुरा नहीं सुनने को मिल रहा है, केवल पूरी चर्चा राजनीतिक बनी हुई है, ये बेहतर। बट्टा देओल जी, ईवीएम तो सर ठीक है ना, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, चुनाव आयोग ने धांधली कर दी, ये तमाम चीजें जो अमूमन विपक्ष की तरफ से कही जाती है, अब तो ये मानेंगे ना कि ईवीएम ठीक है, सही तरीके से मतगणना हो रही है? नहीं देखिए, आप
तो ऐसा टॉन्ट कर रही हैं कि हमने कोई पास कर दिया। हमने तो जो बातें थी, हमने क्या कहा था ईवीएम का कि वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होना चाहिए। और आप जो रिजल्ट आ रहे हैं, देखिए कितने सतर्क हो गए। आपको देखे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी है और कितने बार जाके इलेक्शन कमीशन में बताना पड़ा, हमें अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ा कि किस किस बातों का ध्यान देना है। अमूमन क्या होता था, अमूमन होता था कि वो अपना हमारे ध्यान नहीं देते थे कि 17C पे कितना है, मशीन नंबर मिलाया कि नहीं मिलाया। एक बात जरूर हुई कि ये बात हाईलाइट होने से, सुप्रीम कोर्ट होने से, हमने अपने सारे जितने कार्यकर्ता है वो ट्रेन हुए, उनको बताया गया। और आप देखिए कि जब इलेक्शन कमीशन के एक्ट में लिखा हुआ है कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी गिनती पूरी पूर्ण करने के बाद ही जो ईवीएम की मशीन की गिनती उसको पूर्ण करना है, पर कल उन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी कि नहीं नहीं ईवीएम अलग, मतलब ईवीएम काउंट होने के, फिनिश होने के बाद भी पोस्टल बैलेट अगर नहीं खत्म हुए तो उनको काउंट करना होगा। तो जब एक्ट को ही गाइडलाइन से बदल रहा है इलेक्शन कमीशन, तो कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है। और हमारे कार्यकर्ताओं को बताया, हमें ट्रेन करना पड़ा कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। नहीं तो होता क्या था कि हल्ला कर दिया जाता था, हतसाहित होकर वो छोड़ देते थे जगह और फिर वो अपने मन का, जैसे पिछली बार खूंटी में हुआ कि 1400 वोट जीत रहे थे और फिर 1400 वोट से अर्जुन मुंडे जी को डिक्लेयर कर दिया। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया ना कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई या काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई, 7 दिन के अंदर चैलेंज करिए, रिकाउंटिंग होगी। ये बातें सबसे बड़ी बात है कि ये बातों लोग कार्यकर्ताओं के मन तक पहुंची कि एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट, हमारे पास चांस है, क्या क्या चीजों की हमें ध्यान देना होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कोई बटन कुछ और दबता था, पर्ची किसी और की निकलती थी। और आज तक एक हिस्ट्री बता दीजिए कि कहीं बीजेपी का बटन दबाने के बाद कि किसी और सिंबल का पर्ची निकली हो। हमेशा ऐसा ही क्यों होता था कि किसी और सिंबल को दबाने से बीजेपी की पर्ची निकल रही है। तो देखिए बातें हैं बाजार में, शक है, और हमने उस शक को सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए। हमारा सिंपल यही था कि जो वोट दबी है उसको वीवीपैट से मिलान कर लो और आप देखिए कि 1-2 साल के अंदर ये होगा। अभी इलेक्शन कमीशन भले ही बीजेपी के दबाव में बोल रहा नहीं हो सकता, बट यही इलेक्शन कमीशन उसको भी करेगा। और हम ये चाहेंगे हमारी सरकार आएगी तो हम आगे से इंश्योर करेंगे कि ये वीवीपैट से मिलान हो। देखिए आप लोग इस मुद्दे को भी उठाते रहे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो एजेंसीज है उसको हथियार बनाया जा रहा है, हेमंत सोरेन को अंदर भेज दिया गया जेल में। इन मुद्दों तो को भी आप क्या बोल रही है कि हथियार नहीं बनाया जाता, राम रहीम को हाई कोर्ट से, मेरी बात सुनिए, राम रहीम को हाई कोर्ट से बरी कैसे कर दिया गया, वही सीबीआई थी ना जिन्होंने उनको प्रूव किया था, और हाई कोर्ट में जाके वही सीबीआई सरकार बदली तो वही सीबीआई के हाथ खड़े हो गए और राम रहीम मर्डर के चार्ज से बेल बरी हो गए क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों को कहा था। और इससे क्या ज्यादा प्रूफ चाहिए कि आपको एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है। तो ये सीबीआई को तोता कब कहा गया था बताइए ना, कोर्ट ने कब कहा था सीबीआई को, कोर्ट ने तोता कहा था, कब कहा था, कांग्रेस के रीजन में कहा था, बट ऐसा तो कहा था तो उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए कहा था ना, तो आज सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल रही है आज, इसका मतलब क्या है, कहीं तो कहीं बीजेपी का प्रेशर है। ठीक है ठीक है, मोहम्मद अमीन जी क्या ये भी एक इफेक्ट पड़ा, क्योंकि देखिए दिल्ली का अगर हम देखें, फिर हम झारखंड का देखें, फिर हम पश्चिम बंगाल का देखें, हर जगह पर सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, ईडी के छापे पड़ रहे थे, और ये बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये भी एक मैसेज गया क्या जनता में। देखिए अभी आप जिक्र कर रही थी कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि तोता कहा गया था सीबीआई का उस टाइम, और वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन उस वक्त ये भी एक चर्चा चली थी कि सीबीआई का मतलब होता है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ऐसा नहीं है, हर सरकार ने अपने समय में कुछ ना कुछ किया है। तो इसी तरीके से ये जो विपक्ष में लोग बैठे थे वो बहुत दिनों तक सत्ता में रहे, इसलिए उन्होंने इस बात को सोचा होगा कि शायद ये लोग भी यूज कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक सच बात है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये एजेंसियां और कोर्ट जानती हैं। लेकिन जहां तक इन्होंने कहा इस बात का कि उनको राम रहीम को छोड़ दिया गया, राम रहीम को छोड़ दिया गया तो रिकॉर्ड्स पे छोड़ा गया होगा, ऐसा नहीं है। जो हमारे जजेस हैं वो जनरल ऑनरेबल हाई कोर्ट, उनको सामने कुछ पेपर्स आए होंगे, उन्होंने देखा होगा, उसी हिसाब से छोड़ा गया। लेकिन अब सरकारें कोर्ट नहीं चलाती,
और न ही इलेक्शन कमीशन को, देखिए अभी बात आ रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने भी प्रूव कर दिया कि देखिए हम किसी के प्रेशर में काम नहीं करते। हाँ। ये कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में काम करते हैं, होम मिनिस्टर के कंट्रोल का, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे थे, उस वक्त भी ये नियुक्ति की बात की गई थी चुनाव आयोग की, उसमें भी ये बात देखिए ना कि अगर इलेक्शन पिटीशन ये जो उनका चुनाव का जो हो रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है एनडीए 296 सीटों पर आगे, जबकि इंडिया गठबंधन 229 सीटों पर फिलहाल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये रेशो हम आपको दिखा रहे हैं, इस चार्ट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कहां अभी फिलहाल एनडीए स्टैंड कर रहा है और इंडिया गठबंधन की क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अपडेट दे देते हैं आपको, समाजवादी पार्टी 40 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 39 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन के लिए ये खुशखबरी बेहद राहत की बात इसे कही जा सकती है, क्योंकि जो एग्जिट पोल बता रहे थे उससे ठीक उलट यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए है। सीधे रुख कर लेते हैं विनय राय जी का। विनय जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए अभी हम एजेंसीज की बात कर रहे थे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि सीजीआई का पैनल से नाम हटाना भी जो है वो पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, किस तरह से इसे देखते हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ा क्या? क्योंकि दिल्ली की भी हम बात करें सर, अरविंद केजरीवाल देखिए भले ही चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए हो, लेकिन एक सिंपथी फैक्टर की भी हम बात कर रहे थे कि देखिए एक सिंपथी फैक्टर आम आदमी पार्टी को मिलेगा, जबकि नहीं मिलता हुआ दिखाई दे, सातों की सातों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि एजेंसी अपना काम करेगी, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उससे कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब आपका कंडक्ट कहीं सवालिया निशान पर खड़ा होता है तब इसका असर जनता में पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हेमंत सोरेन पे कार्रवाई हो रही है, हेमंत सोरेन जेल में, ठीक है, उनके खिलाफ एविडेंस मिलेगा, वो कोर्ट को में फेस करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर उलट कोई व्यक्ति ऐसा जिसके खिलाफ ईडी के छापे पड़े, ईडी से केस रजिस्टर करे और वो एनडीए का पार्टनर बन जाए या बीजेपी में शामिल हो जाए, उसकी फिर जांच की रफ्तार धीमी हो जाए या उसके ऊपर से ईडी का ध्यान हट जाए और इस तरह का संदेश जनता में जाए, सबसे बड़ी चीज है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और ये समझाने में कामयाब रहे कि चाहे वो सरमनोज सलवाल का मुद्दा रहा हो, चाहे एनसीपी में से प्रफुल्ल पटेल अंदर आए, चाहे अजीत पवार अंदर आए, तो पहले किस तरह से उनको लेके बीजेपी हमलावर थी और एनडीए में आते ही भाषा क्यों बदल गई, तो ये मुद्दे बन जाते और लोगों को लगने लगता है ठीक है वो गलत है, उन पर कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पहले कार्रवाई के घेरे में थे अब उनको क्यों छोड़ा जा रहा है। और विपक्ष ये चीज समझाया, या तो सत्ताधारी दल इस बात को समझाने में नाकाम रहा है, एजेंसी समझाने में नाकाम रही, लेकिन मुद्दा बना और सही बात है कि जो कमजोर दिखता है जनता का सहानुभूत उसके प्रति आता है। लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए लेकिन उसके विकल्प के तौर पर जिन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया उसके बाद चुनाव हुआ तो जीतते रहे, काफी अच्छे तक जीते वो चुनाव, उसके बाद ऐसा नहीं को जेल जाने के बाद चुनाव हार गए। तो सिर्फ जेल जाना और जेल में चले जाने से नुकसान हो जाना मसला नहीं है, जनता को भी लगना चाहिए कि जो व्यक्ति गया वो भ्रष्ट है। जैसे यूपीए 2 की सरकार के समय में जब बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, अन्ना का आंदोलन हुआ, तो जनमानस को देश में लगने लगा कि कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ है, 2G में घोटाला हुआ है और उसका असर आया कि नरेंद्र मोदी की बहुमत के साथ 2014 में सरकार बन गई। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका सकारात्मक या नकारात्मक दोनों जो पहलू है जनता में किस तरीके से जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र में। और ये सही बात है कि जिस तरह के कंडक्ट अभी दिखे हैं, एजेंसियां सवालों के घेरे में आई हैं, कांग्रेस के समय में उसको पिजड़े में तोता कहा गया था, बंद तोता, क्योंकि कांग्रेस ने भी काफी हद तक दुरुपयोग किया, जब मामला मुलायम सिंह पर आया था, अधिक संपत्ति चला था, उस समय कांग्रेस पे एलिगेशन लगा था कि मुलायम सिंह को ग्रिल करने के लिए, उनका समर्थन बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया है, यही आरोप है बीजेपी पर लगे जब वो सत्ता में है। तो ये तो एजेंसियों का काम है कि अपनी पारदर्शिता बचाए रखे और सरकारों का दायित्व है कि अपने एजेंसियों के साथ को बच्चा न लुटे। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ और भी एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, कैप्टन आई सिंह जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका।
कैप्टन आईसिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 400 पार का जिक्र आप लोग कर रहे थे, सर ये तो 300 पार भी नहीं हो रहा। देखिए अभी क्या है, जो आंकड़े चल रहे हैं इन पे अभी बहुत कुछ कह देना ठीक नहीं है। 400 पार की रुझानों पे कहिए ना। नहीं भाई, मैं रुझानों पे ही कह रहा हूँ, जो रुझान चल रहे हैं तो अभी इनको फाइनल नहीं कह सकते। अभी इनमें बहुत तब्दीली होगी, बदलाव आएगा काफी, तो सरकार ये तो सामने दिखा। कितना बदलाव आएगा क्या लगता है आपको, 400 पार कर लेंगे? नहीं, चार हमने अगर 400 पार को कहा है तो हो सकता है कि वहाँ नजदीक रहे। मगर सरकार तो हम स्पष्ट ये तो दिखाई दे रहा है कि सरकार हम बना रहे हैं, सरकार हमारी 30 अगर दो बार की इनकमेंसी के बाद भी हमारी सरकार बन रही है तो जनता ने ये चीज तो देखी है कि सरकार अच्छी है, देश का प्रधानमंत्री मुखिया बहुत अच्छा है, सरकार का विजन अच्छा है, सरकार ने जो विकास कार्य किए उसमें कहीं से कहीं कोई कमी नहीं। हाँ, कोई हमारी कमियां जरूर रही होंगी जिससे हम थोड़ा सा अगर कहीं पिछड़ रहे हैं तो हम अपनी उन कमियों पर भी नजर डालेंगे और अपने उसके ऊपर विचार करेंगे कि हमने ऐसी कहाँ कमियां छोड़ी है। हो सकता है कि जैसे हमारे कोई कैंडिडेट हैं जो जनता के बीच में खड़े ना उतरे हों और हम उनको फिर लाए हों तो वहां से हमें कुछ कमजोरी मिल रही हो, तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम पुनः विचार करेंगे। बाकी ये सत्य है। क्या मतलब सनातन का जिक्र आप कर रहे थे, हवा हो गया, मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे थे, हवा हो गया, संपत्ति बंटवारे का जिक्र कर रहे थे, वो भी हवा हो गया, ये तमाम जो जिक्र आप कर रहे थे, राहुल गांधी ने खटाखट का जिक्र किया, आपने भी खटाखट बताया, लेकिन वो खटाखट यहाँ पर तो खटाखट नहीं हो पाया। आप एक चीज पे बड़ा विशेष विचार ध्यान कि सनातन ही तो हमारी जो हम सरकार बना रहे हैं। सनातन ये सरकार बनाना अलग है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि हम जो 400 पार कर देंगे उसका अलग है। बिहार में देखिए आपको लॉस हो रहा है, कर्नाटक में देखिए आपको लॉस हो रहा है, पश्चिम बंगाल में देखिए लॉस हो रहा है, हरियाणा में लॉस हो रहा है आपको, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे बड़ा राज्य है वहाँ, ऐसा कौन सा राज्य आप बताएंगे मुझे जहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है, सब जगह लॉस हो रहा है आपको। अगर उसके बावजूद भी अगर इस आंकड़े से आप संतुष्ट बता रहे हैं तो ये अलग चीज है। आप तो 400 पार का जिक्र कर रहे थे, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने जो नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी हिसाब से उनकी कार्यशैली रही है। उन्होंने किसी को दो रास्ते पर नहीं देखा है, सबको एक साथ लेके चले, विकास में किसी को दो रास्ते पर नहीं देखा, विकास सबके लिए बराबर किया है। मगर फिर भी कुछ मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मोदी जी का साथ नहीं दिया। अगर 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने बराबर राशन दिया है और आज भी दे रहे और ये कहे 5 साल और देंगे, अगर फिर भी वो लोग अगर मोदी जी के विकास में, मोदी जी के किसी कार्य में कमी समझते हैं तो मुझे फिर भी विचार करना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिए, क्या भारत में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे नहीं चलाए, क्या रोडों के हमने जाल नहीं बिछाए? कह रहा था ना कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आपने कहा था कि आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन देखिए उन लोगों ने उस हिसाब से आप लोगों को वोट नहीं दिया, क्योंकि जो कहा जाता है और जो होता है उसमें अंतर होता है ना। नहीं बिल्कुल, आप अपनी जगह सही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों ने वोट दे दिया है और दे रहे हैं, और ये रही तभी बदलेगा, ये आंकड़े बदलेंगे, क्योंकि सरकार जब आगत तीसरी बार बन रही है पूर्ण बहुमत की, तो कहीं ना कहीं लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नरेंद्र जी पे अपना विश्वास जताया है, तभी हम तीसरी बार बनाने जा रहे। नहीं तो अभी तक आपने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकारें ही नहीं बना करती थी। कांग्रेस जो ये 100 साल पुरानी पार्टी है, 100 साल पुरानी, अभी थोड़ा सा बहुमत से तो दूर है यहाँ पे कैप्टन आईसिंह जी, लेकिन फिर भी चलिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल विनय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बटा देओल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद अमीन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैप्टन आईसिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत लगातार जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, जल्द लौटते हैं।